आपको एंटीवायरस लगाना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग गहमन कहते हैं, भारत में सबसे तेजी से असर करने वाला सांप। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि कौन सा ऐसा सांप है सबसे तेजी से मौत होता है। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये जब बाइट करता है बहुत तेजी से लगभग 20 मिनट के अंदर में सूजन आ जाता है। जहाँ पर बाइट करता है वह दो दांत का निशान होता है, सूजन हो जाता है। लोकल एरिया में कलर चेंज होने लगता है, जो हमारा बॉडी के जो कलर उससे थोड़ा अलग होता है, रेडनेस थोड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत तेज़ी से वॉमिटिंग चल जाता है, पेट में दर्द। उसके साथ साथ पेशेंट धीरे धीरे, अगर लेट होता है तो धीरे धीरे पेशेंट धीरे धीरे मतली छाने लगता है, मतलब नासा, आँख धीरे धीरे बंद होने लगता है, पेशेंट पूरी तरह कोमा में चला जाता है। तो इसीलिए अक्सर मैं बताता हूँ, ये सांप अगर कभी भी आपको बाइट करे, ये सांप जो है इसको एंटीवेनम लगाना बहुत ज़रूरी है। एंटीवेनम जो सांप का जहर से ही बनाया जाता है, और ये बिना मतलब का एंटीवेनम नहीं चढ़ा, क्योंकि अकाल एक वीडियो में बनाया था कि किसी को सर्दंश हुआ था लेकिन वो उसमें जहर इंजेक्टेड नहीं हुआ था, वेनम इंजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसको एंटीवेनम चढ़ा दिया गया। तो इसका असर बाद में होगा, बहुत सारा बॉडी में इफेक्ट आता है, प्रॉब्लम होता है, एबनॉर्मल सिम्टम, तो ये बाद में पूरे लाइफ भर के लिए परेशानी होता है। तो इसीलिए कभी भी सांप काटे तो पहले जान लीजिए कि आपको एंटीवेनम चढ़ाना है कि नहीं, क्या आप वेनम इंजेक्ट हुआ है, क्या आप जो सांप बाइट किया उसमें पर्याप्त मात्रा में अगर जहर नहीं गया तो उसमें आपको देना नहीं। तो दोस्तों, ये सांप को हम निकालते हैं, उतारते हैं, उसके बाद बताते हैं ये सांप पेड़ में क्यों चढ़ा था और इसका चढ़ने का कारण क्या है। दोस्तों देख रहे हैं, इसका बॉडी में स्केल लटक रहा, देखिए स्केल लटक रहा, इसका मतलब ये अपना स्केल छोड़ने के लिए पेड़ में चढ़ा था। और ये पेड़ में स्केल इसलिए छोड़ता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सांप से मौत होने का कारण होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन के साथ साथ इसमें और भी जहर पाया जाता है, साइटोटॉक्सिन, जिसके कारण जो है ये कार्डियो में अटैक करता है बहुत तेज़ी से। और ये सांप जो है जब भी बाइट करता है, अगर इसका 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर बॉडी में इंजेक्ट होता है तो सोच लीजिए कि आपको बिना एंटीवेनम का बचाना मुश्किल है। तो कभी कभी बहुत सारे पेशेंट ऐसा होता है, स्नेक बाइट होता है, वेनम इंजेक्ट भी होता है, फिर भी एंटीवेनम से बच जाता है। उस हल्का फुल्का गैंग्रीन होता है, हल्का फुल्का जहाँ स्वेलिंग होता है वहाँ सूजता है, उसके बाद धीरे धीरे एंटीबायोटिक चलता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको सांप काटा और कोई भी सिम्टम नहीं है तो उस समय में हॉस्पिटल गए और वहाँ पर एंटीवेनम चढ़ा दिया गया, तो इसका क्या होगा, इसका इफेक्ट बाद में होगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अक्सर मैं देखता हूँ पूरे भारत में बहुत सारा हॉस्पिटल में डॉक्टर बिना ब्लड टेस्ट किए उसको एंटीवेनम चढ़ा देते हैं, मतलब कोई सिम्टम भी नहीं, उल्टी भी नहीं है, पेट में दर्द भी नहीं है, सूजन भी नहीं है, ना पर जहाँ पर काटा है वहाँ पर, उसके बाद भी ब्लड टेस्ट आपके पास एक हथियार है कि हम खून जाँच कर ले, खून जाँच में आपको एबनॉर्मल अगर कोई सिम्टम आता है या ब्लड, जैसे कि आपको उसमें वाइट ब्लड सेल WBC बढ़ जाए, TLC काउंट बढ़ जाए वो तेज़ी से, उसके हीमोग्लोबिन प्लेटलेट बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, हाँ, तो ये सब सिम्टम बहुत सारा आता है। तो तुरंत तो है BT CT, ये दोनों टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जर। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि ब्लड स्नेक बाइट का ब्लड क्लॉट हो जाता है, ये सिर्फ ओनली फॉर हीमोटॉक्सिन रसल वाइपर में होता है, लेकिन कोबरा बाइट में आपको जो है ब्लड और पतला कर देता है, तो ब्लड जो है क्लॉट होने ही नहीं देगा, इसका मतलब न्यूरोटॉक्सिन वेनम बाइट किया है। तो दोस्तों, आप सभी को अनुरोध करता हूँ हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक जानकारी पहुँचाएं, ताकि बचने का एकमात्र उपचार है, उपाय है कि जानकारी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।